आज हम शेयर करेंगे आपके साथ किड्स फेवरेट रेसिपी ओरियो स्विस रोल। इसके लिए हमने ओरियो के 5 पैकेट लिए हैं जो कि 10 रुपीस वाले 5 पैकेट हैं। आप अपनी मनपसंद के बिस्किट भी ले सकते हैं इसमें। सभी बिस्कुट को हम एक बाउल में इकट्ठा करेंगे और इसमें से हम इसकी क्रीम को साइड में रखेंगे और बिस्कुट को साइड में रखेंगे। क्रीम का यूज़ हम बाद में करेंगे, इसलिए हम सारे बिस्कुट में से क्रीम को अलग रख देंगे और बिस्कुट को हम तोड़कर इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। हमने सारी क्रीम को अलग रख दिया है साइड में, अब हम बिस्कुट से फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। सारे बिस्कुट को हमने तोड़ लिया है, अब हम इसको मिक्सी के ग्राइंड जार में ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने पाउडर तैयार कर लिया है, अब हमने थोड़ा सा मिल्क लिया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिल्क करके ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमें मिल्क बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे अच्छे से, जिसके इसका अच्छा सा डो बन जाएगा। हमें इसका सॉफ्ट डो बनाना है, इसलिए आप मिल्क बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। हमारा डो बनकर तैयार है, इसको हम 5 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। अब हम इसकी क्रीम तैयार करेंगे। हमने इस क्रीम को एक बाउल में ऐड किया है, अब हम क्रीम को अच्छे से स्मूथ करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा मिल्क यूज़ करेंगे, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। इसमें हमने 2 टेबलस्पून मिल्क कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है और हमने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की है। आप शुगर स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको एक पॉलीथीन के अंदर अपने डो को रख दिया है, अब इसको अच्छे से बेलन से बेल लेंगे। आपको जितना थिक रखना है उतना ही थिक इसको बेलें। हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं किया है, हमें इसको चारों ओर से बराबर से बेल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको चारों ओर से बराबर से बेल लिया है। अब हम कैंची से इसको कट कर देंगे। जो कि हमें एक शीट तैयार हो गई, हमारी ओरियो की एक शीट तैयार हो गई है। हमने दोनों साइड से इसको कट कर दिया है, अब हमने जो क्रीम बनाई थी वो हम इस पर स्प्रेड करेंगे। क्रीम थोड़ा थिक हो तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लें। हमने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, इसके बाद हम इसको इस पर स्प्रेड करेंगे। आप कोकोनट की जगह मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोकोनट पसंद है तो आप इसमें कोकोनट ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें इवेनली हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। अब हमने इसको स्प्रेड कर लिया, हम इसको फोल्ड करेंगे।
इसको हम एक रोल की शेप में फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, अंदर को घुमाते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको हमें इसी तरीके से फोल्ड करना है। अब हम इसको इसी के साथ कवर कर देंगे। अब हम इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप इसको फ्रिज या फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए आप इसको रख सकते हैं। हमने इसको सेट होने के लिए फ्रीजर में रखा है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रोल अब सेट हो गया है। हमने इसको फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब इसको आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया बनकर और अच्छा सा तैयार हुआ है। अब हम इसके पीस को कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट है। आप इसके पीस को अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, आपको कितना मोटा पीस कट करना है। हम इसी तरह इसके सारे पीस को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे पीस बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं और देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में बहुत डिलीशियस। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार है। ना हमें इसमें कोई गैस जलाना है, ना हमें बेक करना है। बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है ओरियो स्विस रोल, जो कि बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बनाकर ट्राई करें।